तो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर हुआ था राम मंदिर का इनॉग्रेशन। लेकिन क्योंकि अयोध्या से मेरा घर बहुत दूर है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने ही हार्डकोर वर्ल्ड में मैं बना लूं एक बड़ा सा राम मंदिर, जिसको बनाने के लिए मुझे 3 लाख से भी ज्यादा गोल्ड ब्लॉक्स लगेंगे, जो कि उतना आसान नहीं होने वाला है। तो देखो, राम मंदिर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक जगह, और वो जगह यही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो मैं यहाँ पे राम मंदिर बना ही नहीं सकता ना। तो चलो यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उन सभी को हटा देता हूँ। तो भाइयों, मैंने सारे ट्रीज को रिमूव कर दिया है और अभी इस जगह को देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है। और इसी पूरी जगह पे बनने वाला अपना राम मंदिर। बट राम मंदिर बनाने से पहले यहाँ पे मुझे एक और चीज करनी है, जो कि है इस जगह को प्लेन। ओके, तो अभी मैं आया था अपने विलेजर्स के पास और यहाँ से मैंने थोड़े से शवल्स ले लिया, क्योंकि उस जगह को प्लेन करने में काफी सारे शवल्स लगे। तो चलो अभी यहाँ पे मैं जल्दी से लग जाता हूँ और जितनी भी इतनी बड़ी जगह है उसको पूरा फ्लैट कर देता हूँ। और हाँ, बीकन भी यूज कर लेता हूँ। तो गाइस, जितना भी एरिया मुझे प्लेन करना था मैंने सारा का सारा एरिया प्लेन कर दिया है। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अभी तो पूरा एरिया प्लेन नहीं हुआ है, बट मेरे पास है एक मास्टर प्लान। तो जो हमारा राम मंदिर है वो है बहुत बड़ा, और जब मैं उसको बनाऊंगा तो वो इस पानी के ऊपर आ जाएगा, जो देखने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कलेक्ट करने वाला हूँ बहुत सारी डर्ट और ग्रास के ब्लॉक्स, जो लगाऊंगा मैं इस पानी के ऊपर, जिससे बन जाए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और हमारे पास आ जाएगी काफी सारी प्लेन जगह, जिससे हमें बाकी जगह को प्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे कलेक्ट करनी है बहुत सारी डर्ट जो मुझे जाएगी इस माउंटेन से। तो चलो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सारे डर्ट कलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस, मैंने यहाँ से काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर ली है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा माउंटेन मैंने हटा दिया है। अब इसी डर्ट और ग्रास को मुझे लगाना है पानी के ऊपर, जिससे बन जाएगा एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म, और अभी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बना दूंगा अपना राम मंदिर। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वो प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अब चलो, मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया है और अब जस्ट यहाँ पे मुझे बनाना है राम मंदिर। बट राम मंदिर बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 लाख से भी ज्यादा गोल्ड ब्लॉक्स, और उनको कलेक्ट करने में लगेगा मुझे बहुत बहुत ज्यादा टाइम। तो चलो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अपने गोल्ड फार्म पे चला जाता हूँ। तो चलो अब मैं आ गया अपने गोल्ड फार्म पे, और यहाँ पे जस्ट अब मुझे खड़े रहना और तलवार चलाते रहने, जिससे मुझे काफी सारा गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड फार्म बहुत ज्यादा रेट्स प्रोड्यूस करता है। तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा कुछ घंटे के लिए AFK, और हाँ, सिर्फ कुछ घंटे के AFK रहने से मुझे पूरा 3 लाख गोल्ड के ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, बट कुछ अमाउंट मिल जाएगा। और मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके राम मंदिर को बनाने वाला हूँ। तो चलो थोड़ी देर के लिए सबसे पहले AFK हो लेता हूँ और बताता हूँ तुमको कि मुझे कितने गोल्ड के ब्लॉक्स मिले। तो वैसे यहाँ पे मैं काफी ज्यादा देर से AFK खड़ा हुआ था, और मेरे फ्रेम रेट देखो भाई कितने कम हो गए मेरे फ्रेम रेट, क्योंकि जब भी मैं इस फार्म पे AFK होता हूँ तो मेरे फ्रेम रेट्स जो है FPS बहुत कम हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पे काफी ज्यादा देर से AFK था, तो अब मेरे पास आ गया काफी सारा गोल्ड। तो अब जस्ट मुझे उस गोल्ड के इंगट्स और नगेट्स को कन्वर्ट करना है गोल्ड के ब्लॉक्स के अंदर। तो चलो जल्दी से ये काम किया जाए। पर मुझे सही में सबसे ज्यादा बोरिंग काम जो लगता है वो यही लगता है कि इंगट्स को नगेट्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना। भाई ये बहुत ज्यादा दिमाग खाऊ काम है, बट अब करना तो पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे जितने भी शल्कर बॉक्स भरे हुए हैं गोल्ड के इंगट से, सबसे पहले उनको कन्वर्ट कर देता हूँ गोल्ड के ब्लॉक्स में, और फिर नगेट्स भी हैं जिनको मुझे गोल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलो जल्दी जल्दी ये सारा काम कर देता हूँ और फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि टोटल मेरे पास कितने गोल्ड के ब्लॉक्स आए। A few minutes later. Okay guys, तो पिछले आधे घंटे से जस्ट मैं गोल्ड के ब्लॉक्स बना रहा हूँ, बट यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे शल्कर बॉक्स पूरे भर चुके हैं गोल्ड के ब्लॉक से, बट अभी भी ये इनफ नहीं है। और इनफ तो क्या, मुझे कलेक्ट करने 3 लाख ब्लॉक्स, और ये तो आई गेस 50,000 ब्लॉक्स भी नहीं है। तो गाइस तुम लोग बस इसी से समझ गए होगे कि मैं कितना बड़ा राम मंदिर बनाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से ओवरवर्ल्ड में चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या हम इतने गोल्ड के ब्लॉक से काम चालू कर सकते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ। ओके गाइस, तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं राम मंदिर बिल्ड करने वाला हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे राम मंदिर बनाने के लिए गोल्ड के ब्लॉक्स के अलावा भी थोड़े मोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे स्टोन ब्रिक्स और वूल वगैरह जो भी सामान चाहिए वो कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस राम मंदिर के लिए। प्लस उसमें मैं काफी सारे और भी चेंजेस करूंगा, तो उस सभी के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। तो चलो जल्दी से वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड ब्लॉक्स के बाद जो मुझे चीज चाहिए वो है स्टोन और स्टोन ब्रिक्स, जो बस मुझे 2-3 हज़ार के आसपास ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो चलो जल्दी से 2-3 हज़ार स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ।
अब स्टोन के बाद एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे कलेक्ट करनी है, जो कि है क्वार्ट्ज। लेकिन क्वार्ट्ज मुझे काफी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बट इसकी भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास है अपना पिगलिन बैटरिंग फार्म जिसमें काफी सारा क्वार्ट्ज एक ही है। अबे भाई, इस एक क्वार्ट्ज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अराउंड 2-3 हज़ार ब्लॉक्स क्वार्ट्ज के भी चाहिए, और उसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल क्वार्ट्ज लगेगा जो मुझे इसी फार्म से चाहिए। तो उसके लिए अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो चलो, अभी मैं ओवरवर्ल्ड से थोड़े से गोल्ड के ब्लॉक्स लेके आ चुका हूँ, जिससे मैं इस पिगलिन बैटरिंग फार्म पर थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लूँगा, जहाँ से मुझे मिल जाएंगे काफ़ी सारे क्वार्ट्ज। तो अब जैसे यहाँ पे मुझे खड़े होना है और यहाँ पे खुद से क्वार्ट्ज आने लग गए होंगे, और हाँ देखो कितने सारे क्वार्ट्ज ऑलरेडी आ गए हैं। तो अब बस यहाँ पे थोड़ा सा और सबर करना है, और जैसे ये चेस्ट पूरी क्वार्ट्ज से भर जाएगी तो समझो मुझे सारे क्वार्ट्ज मिल गए हैं। तो चलो इस फार्म पे भी थोड़ा सा एफ कर लेता हूँ और देखता हूँ मुझे यहाँ से कितने सारे क्वार्ट्ज मिल सकते हैं। तो गाइस, मैं इस फार्म पे बहुत देर से एफ के खड़ा था और अभी ये चेस्ट भर ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। और मैं यहाँ पे खड़े खड़े सच्ची में बहुत ज्यादा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाके मैं खुद से माइन करके ले आऊं। तो अभी यहाँ पे जितने भी क्वार्ट्ज मुझे मिले हैं उनसे मैं बना रहा हूँ क्वार्ट्ज के ब्लॉक, और फिर मैं जाने वाला हूँ माइनिंग करने पे। तो चलो मैं नीचे आ गया हूं, और अब जस्ट मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे इतने ओवर माइन करने जिससे मेरे पास आ जाए 10 से 11 स्टैक क्वार्ट्ज। तो चलो जल्दी से यहाँ पे जितने भी क्वार्ट्ज हैं उन सभी को माइन कर लेता हूँ। चलो गाइस, फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद मैंने राम मंदिर बनाने का जितना भी सामान था सब कलेक्ट कर लिया। जस्ट गोल्ड के ब्लॉक्स और ऐसे हैं जो मुझे कलेक्ट करने हैं। तो मैं सोच रहा कि राम मंदिर पर काम स्टार्ट करने से पहले एक बार ही और चला जाऊँ गोल्ड फार्म पर, जहाँ से मुझे और ब्लॉक्स मिल जाए। और हाँ, मैंने एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि देखो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ राम मंदिर, और यहाँ के आसपास तुम लोग जिस भी जगह पर किसी मॉब को स्पॉट करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर बस काउज तुम्हें दिखाई देंगी। एक बार देखो वहाँ पर भी काउ है, ये गई काउज, और एक बार इसके आसपास देखने का ट्राई करो भाई, और कोई ज्यादातर एनिमल दिख ही नहीं रहा है, बस काउज ही दिखाई दे रही हैं जहां तक भी देख पा रहा हूँ। ये चीज जब मैंने नोटिस करी सच्ची में मेरा दिमाग उड़ गया कि इतनी सारी काउज भाई। चलो अभी जल्दी से एक काम करता हूँ, जल्दी से चला जाता हूँ अपने गोल्ड फार्म पे और वहाँ से जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स हैं लेके आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने गोल्ड फार्म पे थोड़ा सा और गोल्ड कलेक्ट करने, और अब यहाँ से मुझे इतना गोल्ड कलेक्ट करना है लाइक इनफ इतना गोल्ड हो जाए जिससे मैं अपने राम मंदिर पर काम स्टार्ट कर सकूँ। तो चलो जल्दी से यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ और बहुत सारे गोल्ड लेके चलता हूँ यहाँ से। अब चलो गाइस, मैं दोबारा से यहाँ पे लग जाता हूँ और सारे इंगट्स और नगेट्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। भाई ये काम सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट इसके बिना तो मैं काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो चलो सारे जितना भी सामान है उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। चलो भाई, फाइनली इतनी देर से जस्ट मैं गोल्ड के ब्लॉक्स बना रहा था, बट अभी मैंने सारे के सारे जितने भी शल्कर बॉक्स में रखा था गोल्ड का सामान सबसे ब्लॉक्स बना लिए हैं, और अब फाइनली टाइम है अपने राम मंदिर पर काम स्टार्ट करने का। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस यहाँ पर जितने भी बच्चे को जो शल्कर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनको तोड़ के लेके जाना है ओवर वर्ल्ड के अंदर, और फिर हम अपना मंदिर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से इनको तोड़ के ओवर वर्ल्ड में चलता हूँ। चलो गाइस, जिस चीज़ के लिए सभी लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे अब उसको स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो अब जस्ट हमको स्टार्ट करना अपना राम मंदिर बनाना, तो लेट्स गो गाइस, जल्दी से बनाते हैं अपना राम मंदिर। ओके गाइस, तो मैं इतनी देर से राम मंदिर बना रहा था और जितने भी मेरे पास लाइक 50,000 की गोल्ड के ब्लॉक्स के आसपास थे मेरे पास, और ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, बस 1 से 2 शल्कर बॉक्स और गोल्ड के ब्लॉक्स बने। और एक बार इसको देखो भाई, अभी जस्ट मैंने राम मंदिर का बेस बनाया है, और ये बेस इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है लाइक मेरे वर्ल्ड में और भी बड़े बड़े बिल्ड्स हैं, जैसे सीओसी के बेस को देखो और मेरा एमराल्ड कासल, बट राम मंदिर के सामने सब एकदम चिन्नू मिन्नू से चीज़ें लग रही हैं। और अभी मैं समझ गया हूँ कि इसको जितना ईजी में समझ रहा था वो उतना ईजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बट हमको अपना राम मंदिर तो कम्प्लीट करना ही पड़ेगा। तो चलो जल्दी से बचे कुछ काम पर लग जाते हैं। और बाय द वे, जितना भी मैंने बनाया ये काफ़ी बड़ा तो है, बट देखने में भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं, तुम लोग एक बार खुद से देख लो। अब राम मंदिर का बेस बनाने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ऐसे ही बार बार गोल्ड फार्म पर जाऊंगा, गोल्ड के ब्लॉक्स लेके आऊंगा और फिर यहाँ दोबारा से राम मंदिर को बनाऊंगा, फिर दोबारा गोल्ड फार्म पर जाऊंगा, ऐसे मैं कब तक करूंगा। और मेरे दिमाग में इसके रिलेटेड आता है एक आइडिया, तो इसलिए मैं कॉल कर देता हूँ अपने दोस्त कोबी भाई को। हेलो। हाँ भाई बताओ। हेलो कुप, क्या कर रहे हो भाई? रिकॉर्ड कर रहा था भाई, बताओ। अच्छा, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे, मैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड में एक बिल्ड बना रहा हूँ, उसमें आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, करोगे क्या?
ठीक है भाई, भेजो लिंक। अच्छा तो आप आ जाओ माइनक्राफ्ट के अंदर, मैं बुलाता हूँ। मैं एक खट्टा खट्टा के चला गया मेरी। क्या क्या? हाँ ये तो दिक्कत है। अरे कॉफी भाई, यो ये गया। इधर हो तो ये गए। यो व्हाट्स अप। हेलो हेलो, रुको अभी मैं आपको देता हूँ। अरे सामान तो कुछ लाना ही है मैं। अच्छा अभी मैं आ रहा हूँ आपके लिए सामान लेके। हाँ। और बाकी आपको ये तो पता है ना मैंने आपको क्यों बुलाया? भाई कैसे पता होगा मेरे को? नहीं पता क्या? नहीं भाई। तो देखो मैं बना रहा हूँ एक बहुत बड़ा बिल्ड, और उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा सामान। तो मतलब बहुत सारा गोल्ड के ब्लॉक्स चाहिए। मेरा एक गोल्ड का फार्म है, जस्ट आपको वहाँ पे एएफके रहना है। तो आप मेरे लिए वहाँ पे एएफके रहोगे क्या? कर देंगे भाई, बस पैसे भिजवाना भाई। भाई स्पॉन्सर के पैसे भेज देना भाई। स्पॉन्सरशिप तो आई नहीं रही मोए मोए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कोपी भाई को बोल दिया कि वो गोल्ड फार्म पे खड़े होके गोल्ड कलेक्ट करें, और वहां से जितने भी ब्लॉक्स वगैरह बनाने का काम होगा अब वो करेंगे, और ये जो राम मंदिर बनाने का काम है वो मैं करूंगा। तो कोपी भाई को जब तक मैंने बोल दिया था गोल्ड फार्म पे एफके रहने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस राम मंदिर में थोड़े से ऐसे चेंजेस किए जाए जिससे ये राम मंदिर अच्छा लगने लगे। तो मैं इसलिए चला जाता हूँ अपने एक क्रिएटिव वर्ल्ड में, और वहां पे करने लग जाता हूँ राम मंदिर में काफी सारे ऐसे चेंजेस जिससे राम मंदिर देखने में और अच्छा लगने लगे। क्योंकि बस अभी जो ये राम मंदिर है इसमें गोल्ड के ब्लॉक्स ही हैं, तो अगर मैं छोटी मोटी और चीजें ऐड कर दूंगा तो इसका लुक जो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और ऐसे मैंने काफी सारे और भी चेंजेस किए राम मंदिर के अंदर। तो जब तक मैं राम मंदिर में थोड़े मोटे इंप्रूवमेंट्स कर रहा था, तब तक कोपी भाई यहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स रख के चले गए हैं। तो अब टाइम है अपना राम मंदिर पूरा का पूरा एक ही बारी में बनाने का। तो चलो जल्दी से बना लेते अपना पूरा का पूरा राम मंदिर। और हाँ गाइस, तुम लोगों को ये राम मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर तुम लोगों को भी ये राम मंदिर मेरी तरह अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ ऐसे ही एक वीडियो में मैंने जितने भी मॉब होते हैं उनके सबके हेड कलेक्ट किए थे। अगर तुम लोगों को वो वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पर क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो। और चलो अब मैं मिलता हूँ ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।